आसंतु देखंतु आपण माने सब जानिचंती आमर ए चैनल ले एसएसबी टीजीटी एलटीआर ओएसटीटी ओटीटी बीड एंट्रेंस जो पीटी पिला आमर अछि फिजिकल एजुकेशन टीचर रो समस्त पेडागोजी रो थ्योरी क्लास ए चैनल ले हेची एबे कोन होउची हम खाली एमसीक्यू क्लास करूचंती मु एमसीक्यू रो माराथन मध्ये करूची पिला माने कहले सर मॉक टेस्ट आनंतु बोली एटा आमर रहबो फास्ट मॉक टेस्ट कोन चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी पार्टी आमर अच्छी आमर जेकोसी आप ऑल टीचिंग एग्जाम पाई आप एम सिक्यू सब देखिपारे कौन आपन को एग्जाम बहुत हेल्प कर जी चैनल प्रथम थर भिड देखुंत चैनल को सब्सक्राइब करूँ भिड को लाइक करूँ सांग भितर सेयार करूँ आसतु देखा संपूर्ण भाव में आपं 50+ एम सिक्यू कि 60+ एम सिक्यू करदेवि आमर डेली कौन हमारे गोटे गोटे मॉक टेस्ट क्लास हम पेडागोजी पूरा एग्जाम जाए पूरा आपंकर जेकोसी भी आपर एस एस वि टी टी एक्जाम धरत सरगला पुणे एलटीआर में मॉक टेस्ट करेंगे पुणी एलटीआर सरला ओ एस टी टी क्या सब पिला गोटे भिड ही हेल्प कर आसतु देखा कौन अच्छी क्वेश्चन अप्सन सहित पूरा संपूर्ण भाव बुझा आउ डिस्कसन करवा अल टीचिंग एक्जाम पेड़ागोजी पे क्लास सब देखु देखु फास्ट क्वेश्चन कौन देमें द वर्ड पेड़ागोजी मीनस पूरा बेसिक रूम आप क्वेश्चन कराऊँ मॉक टेस्ट वन जेहेतु अच्छे पूरा बेसिक रू क्वेश्चन पूरा आम असेसमेंट इवैल्यूएशन जाए सब चैप्टर आम कौन हम मॉक टेस्ट आकार में सब एम सिक्यू आपई देवी देखो जो दे वर्ड पेडागोजी मीनस कौन हो रे टू गाइड द चाइल्ड टू लीड द चाइल्ड टू एजुकेट द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड कौन हो रे पेडागोजी मीनस टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड पेडागोजी कौन हो रे पेडागोजी मीनस कौन हो टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड तापर क्वेश्चन देखिए आसतु देखो तापर क्वेश्चन कौन कही पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ पेडागोजीटा जो क्या स्टडी करने पेडागोजी कहते रे एजुकेशन गाइडिंग स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस टीचिंग मेथड कौन जी रे दी नंबर ऑप्शन डी टीचिंग मेथड पूरा बेसिक रू कर भल भल क्वेश्चन सब अच्छी भलसे देखु तापर क्वेश्चन देख क्या आप क्विक क्विक करवा क्या जिते अधिका क्वेश्चन करेंगे आप कर रे एग्जाम से अधिका हेल्प कर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ ये जो चार ऑप्शन देती कौ ऑप्शनटा पिलार फिजिकल ग्रोथ मान कौन गोड़ हाथ बढ़िया किंवा बॉडी साइज ग्रोथ हाँ डेगा हाँ यह सब कौन फिजिकल ग्रोथ ऑप्शन ए देती कौन नेगेटिव ऑप्शन बी देती कौन क्वांटिटेटिव ऑप्शन सी देती क्वालिटेटिव ऑप्शन डी कौन दे पॉजिटिव कौन हो ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव कौन हो रे जो क्वांटिटा बढ़िया आम जो पदार देखा हे पिलाटर ग्रोथ होता कौन कहते हैं फिजिकल ग्रोथ चार नंबर देख द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज सब भल मेथड कौटा आम जो पिलाटा को ग्रोथ आउ डेवलपमेंट को स्टडी कर सब भल मेथड कौटा साइको एनालिटिक मेथड कंपेरेटिव मेथड डेवलपमेंटल मेथड ऑप्शन डी स्टैटिस्टिकल मेथड कहीं जी रे चार नंबर ऑप्शन सी डेवलपमेंटल मेथड डेवलपमेंटल मेथड पढ़ा द्वारा पिलाटर केमी ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो सब आम जान पार बुझिपाल पांच नंबर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन आम जो टेक्नोलॉजी रो यूज करछंती कौन एनहांस करिया माने बढ़ेबा को लर्निंग रो प्रोसेसटा लर्निंग रो प्रोसेसटा हमर जेमिति होउची ताको बढ़ेया पई आम कौन को टेक्नोलॉजी रो यूज करंती बोली से पचारिची कोन देखंतु आईटी ना आईसीटी ना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहि जबरे आईसीटी कहि जबरे आपन सब जानथिन एबे सब कोन स्कूल मान कर सब आसीलानी आईसीटी कोन आईसीटी रो यूज सब हला नी बुझिपारे कौन जो पांच नंबर ऑप्शन बी आईसीटी इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन हो रे इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तापर देखा छ नंबर द टर्म पीएसएनआर ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे जी जाना खातार लिखि रखिए द टर्म पीएसएनआर इज डेवलपमेंटल एम्प्लॉइज डेवलपमेंट रे जो पीएसआरएन तार फुल फॉर्मटा कौन बोली पचारिची कौन जी ऑप्शन ए हिजबा राइट आंसर कौन प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी कौन जी प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी छ नंबर ऑप्शन ए हिजबा कौन राइट आंसर तापर देखो सात नंबर जी इंडिविजुअल लर्नर्स
फ्रम हिज ओन मिस्टेक इंडिविजुअल लर्नस कौन निजे निजे निजर मिस्टेक रु शिखा दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन व्हिच लर्निंग थ्योरी निजे निजे भूल करके निज मिस्टेक रु शिखा निजे भूल करके निजे शिखा कौ थ्योरी अंडर में जाऊँ इंस्ट्रुमेंटल कंडीशनिंग ऑप्शन बी दे इनसाइट ना ऑप्शन सी दे ट्रायल एरर ना ऑप्शन डी दे कौन क्लास क्लासिकल कंडीशनिंग कौन जो ऑप्शन सी ट्रायल एरर जिते थर ट्राए करवा एरर हम पुणी शिखा पुणी ट्राए करवा पुणी एरर आसो पुणी शिखा बुझे तर क्वेश्चन जी व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस कौन देखिए व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर गोटे टीचर रोल कौन इंडिविजुअल डिफरेंस जो अलग अलग पिला जो सब आप क्लास चालीसटा पिला अच्छा चालीसटा पिला भितर जाने समस्त किसी ना कि इंडिविजुअल डिफरेंस थी से इंडिविजुअल डिफरेंस पिलांर जो नीडटा अच्छे मीट करने आम कौन रोल रहा एज ए टीचर आमर ट्राइंग टू नो द एबिलिटी इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल निहाती ट्राए टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कौन जी बोथ ए एंड बी कौन जी बोथ ए एंड बी तापर दे देखो कौन नौ नंबर टीचर शुड प्रेजेंट इनफर्मेशन टू द स्टूडेंट क्लीयरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे टीचर कौन कर पिला जो प्रेजेंट कर जो पाठ क्लीयरली आउ इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इनफर्मेशन द थिंग स्टूडेंट्स पिला जो जिनस जानते से ही जिनस को कनेक्ट करके नुआ इनफर्मेसन पिला दौरान टीचर कौन पाई डोंट नो ऑलरेडी नो विलिंग टू नो कौन रे नॉट विलिंग टू नो कौन जी ऑप्शन भी ऑलरेडी नो जो जिनस आगुरी पिला जानते से ही जिनस कौन कर टीचर न्यू इनफर्मेसन जॉइन कर पिला बुझाऊँच जो जो ऑलरेडी नो जमी कहते प्रीवियस नॉलेज सहित सब रिलेटेड करके पढ़े से भाग आगुरी पिला जो जानी ऑलरेडी पिला जहाँ जानी से रिलेट करके कौन कर पढ़ेगा तापर देखु गोटे चाइल्ड मेंटल एज देत फाइव क्रोनोलोजिकल एज देखिए कतरे फोर तेना आईक्यू पचार आईक्यू फॉर्मूला जानते मेंटल एज बाय क्रोनोलोजिकल एज इनटू कौन हो रे हंड्रेड बुझे ना कौन जो मेंटल एज बाय क्रोनोलोजिकल एज इनटू कौन रे हंड्रेड बुझे एमती कौन रे चार आप कोड़े को चार शहे काटदे कौन जो पचीस पचीस पंचा कौन जो शहे पचीस ऑप्शन ए जो कौन राइट आंसर फॉर्मूला कौन आईक्यू मेंटल एज बाय क्रोनोलोजिकल एज इनटू हंड्रेड मेंटल एज कौन बुझे जो जी वर्षर मान पाटा भाभी पड़ी क्रोनोलोजिकल एज है कौन तुम आकचुअली जी एज धरतु मोर बर्तमान पचीस वर्ष कि तेईस वर्ष मो एजा बर्तमान जे कहते क्रोनोलोजिकल एजा मोर के तेईस कि बर्तमान भाभी पड़ी गोटे छब्बीस वर्षर पिला भाया मैंने कौन मोर मेंटल एजटा हो छब्बीस मोर क्रोनोलोजिकल एज आकचुआल एजटा हो तेईस तेना कौन मेंटल एज कहते छब्बीस बै तेईस इंटू शहे एमती आप कैलकुलेशन करेंगे कौन रे आईक्यूटा खाली फर्मूलाटा मन दिंतु आईक्यू मैंने इंटेलीजेंट क्वेश्चन इक्वल टू एम ए मेंटल एज डिवाइडेड बै क्रोनोलोजिकल एज इंटू हंड्रेड ए फर्मूला पुट करके आंसर करेंगे तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ये चारिटा ऑप्शन दे पढ़ी कौटे ट्रू नुहे कह मैंने कौन फल्स पचार मैंने नेगेटिवटा पचार ग्रोथ इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस एजुकेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ठीक अच्छे लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस ठीक है सब कि भूल है कौटा एगार नंबर ऑप्शन बीटा पे भूल अच्छे डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस कौन डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव प्रोसेस से कौन देखिए क्वांटिटेटिव देखा एगार नंबरटा भूल गला बार नंबर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन या भितर कौटा गोटे टूल नुहे फॉर्मेटिव असेसमेंट रोथे स्कॉलास्टिक डोमेन ऑप्शन ए देखिए कौन कंजर्वेशन स्किल ऑप्शन बी देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन सी देखिए प्रोजेक्ट्स ऑप्शन डी देखिए ओरल क्वेश्चन कौन जो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रोजेक्ट कौन जी ऑप्शन सी प्रोजेक्ट प्रोजेक्टा गोटे कौन रे स्कॉलास्टिक डोमेन नॉट पचार बुझे ना जो नॉट पचार से कहीं गल रे ऑप्शन सी प्रोजेक्ट हो कौन राइट आंसर कहीं मॉक टेस्ट रही है मुझे क्विक क्विक आपको आंसर कहूँ आपड़ा जिते प्राक्ट करेंगे मॉक रे जिते क्वेश्चन प्राक्ट करेंगे आपको से हेल्प कर अकॉर्डिंग टू जॉन डुए स्कूल इज ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए डैश प्रोसेस कौन जो राइट आंसर रे अकॉर्डिंग टू जॉन डुए स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस ऑप्शन ए कौन जो राइट आंसर तापर क्वेश्चन देखो
स्पेशियाल एजुकेशन इज रिलेटेड टू आमर स्पेशियाल एजुकेशन टा का रिलेट करे रे एजुकेशन फॉर टैलेंट स्टूडेंट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिजेबल कौन ऑप्शन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑप्शन डी कौन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटार्डेड कौन पारे ऑप्शन बी एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर डिजेबल्ड स्पेशियाल स्कूल का डिजेबल्ड पिला कहीं स्पेशियाल स्कूल खोला तापर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन दे दीजिए इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इजिली ऑप्शन बी दे दीजिए ऑल चॉइस अपीयर टू बी कौन प्लॉजिबल ऑप्शन सी दे दीजिए एरर फ्री एंड क्विक इवैल्यूएशन इज पॉसिबल बाय कंप्यूटर ऑप्शन डी कौन दे दीजिए ओनली वन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट आंसर कौन जो 15 नंबर राइट आंसर है कौन रे ऑप्शन ए इवन एन अनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चन इजिली तेनाली नॉट पचार कौन गोटे जो अनएक्सपीरियंस टीचर टे तार एक्सपीरियंस ना से कौन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन तैयारी करदे कि करेंगे ना जेहतु मुझे नॉट पचार कौटा ट्रू नुहे मल्टीपल चॉइस रे देखो ऑल चॉइस अपीयर प्लॉजिबल चार्टा ऑप्शन आपको कन्फ्यूज कर एरर फ्री एंड क्विक शीघ्र शीघ्र कैलकुलेशन हो पार चार्टा भितर गोटे करेक्शन ओनली वन मैंने चार्टा ऑप्शन गोटे ही उत्तर हम ना ना कि कौन अनएक्सपीरियंस टीचर कौन क्वेश्चन बन पारे कि बोले पारे ना बुझे से 15 नंबर कौन हो रही आंसर ऑप्शन ए तापर क्वेश्चन देखा अकॉर्डिंग टू जॉन डुए स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर स्कूल कौन पर प्रिपेयर कर रहे पिला प्रेजेंट लाइफ कौन पाए प्रेजेंट लाइफ पे स्कूल प्रिपेयर कर पिला क्वेश्चन देखते व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर कौ टाइप इवैल्यूएशन टाइम लर्निंग डेफिशिएंसी बाहर करे आमर देखो आम देहर जी प्रोब्लेम हुए आम कौट जाती डायग्नोस्टिक सेंटर को सेम देखो जब आम लर्निंग रे डेफिशिएंसी देखेब तमें कौन कर डायग्नोस्टिक सेंटर जीवा बुझे कौन जी 17 ऑप्शन डी डायग्नोस्टिक बुझे ना तापर देखा आज पीपुल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन्स कौन हो रहा देखो ऑप्शन ए दे पावर ऑप्शन बी स्पीड ऑप्शन सी क्वालिटी ऑप्शन डी क्वांटिटी कौन ऑप्शन बी स्पीड जिते लोकटा कौन हम बड़ हम तार कौन जीवर स्पीडटा से स्लो जीव तापर देखु बोथ द क्रोनोलोजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ पीपल 7 ईयर देखो मेंटल एज कौन पिलाटा 7 वर्षर क्रोनोलोजिकल पिलाटा 7 वर्षर से भावुच 7 वर्ष भाया देखो मैं सूत्र कौन कही आई क्यू तेज के देखो आई क्यू कौन फर्मूला एम ए बाय कौन सी ए इंटु 100 देखो 7/7 × 100 हम 7/7 कटिजी ना नहीं 7/7 कटिजी ना नहीं 7/7 जो कटिजी इंटु 100 आप 100 रही तेनाली 100 रही गाँव 100 कौन हो रे 100 आम कौन कहते नॉर्मल इंटेलिजेंसी 100 जार हम तार कौन हो नॉर्मल इंटेलिजेंसी रुंतु मुझे देखा से फर्मूला टी आपको देखा आप बुझे संपूर्ण भाव में पचार आईक्यू पर क्वेश्चन पचारे पे देखो जो फर्मूला मुझे कहती आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 देखो आप क्वेश्चन कौन कही मेंटल एज आउ क्रोनोलॉजिकल एज दुटा कौन ने पेले समान जेहतु सामान देखते 7/7 आम कटिज के 100 रही है ये जो 100 आम सब कौन कहते बोले नॉर्मल इंटेलिजेंसी कौन कहते 100 को नॉर्मल इंटेलिजेंसी बुझे ना सब आईक्यूर फर्मूलाटा मन रखिए एम ए बाय सी ए इंटू 100 मेंटल एज कौन पिलाटा जितकी बयस भाभी पार्टी क्रोनोलॉजिकल एज मैंने कौन पिलाटा आक्चुअल एज जिते पिलाटा आक्चुअल एज धर आपर आक्चुअल एज 22 कि आप जन आक्चुअल एज कत 20 आप भाभी पार्टी कि 25 वर्ष पिला भाया तेना आप आईक्यू के 25/20 इंटू 100 हिसाब कैलकुलेट करदे जहाँ बाहर से बुझे आसन देखापुर क्वेश्चन 20 नंबर देखु व्हिच फॉर्म द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इनक्रीज करेक्ट रेस्पन्स एंड आप्रोप्रिएट बिहेवियर को व्हिच फॉर्म द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इनक्रीज करेक्ट रेस्पन्स कौन रे आप्रोप्रिएट बिहेवियर कौन जो देखो ऑप्शन ए इग्नोरेंस ऑप्शन बी स्ट्रिक्टनेस ऑप्शन सी रिवार्ड ऑप्शन डी प्रेज कौन जो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेज कौन जो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रेज तापर देखिया व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विथ रेस्पेक्ट टू फाइन मोटर मूवमेंट कौन जो आगुड़ी जो छोट छोट आम जो कम गुड़ा करें कौन कहते फाइन मोटर मूवमेंट से कहे कौटा डिफरेंट देखते डॉट जॉइनिंग कौन हम फाइन मोटर छोट छोट आंगुल करेंगे डिटेक्शन छोट छोट आंगुल करेंगे हैंडराइटिंग हाथ लिखे कि सेपरेसन अफ फुड्रे पूरा आपर हाथ
ଶୁଣବ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ହିଁ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ଆପଣ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କାମଟା। ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଚାରିଦେଲା। ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡଟ୍ ଜଏନିଂ କରିବା, କାର କାର ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଲେଖିବା, ଡିଟେକ୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅର୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଅଲଗା କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22, ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରି ଷ୍ଟେଜ୍ ରିଡ଼ିଂ ଏଲାଉଡ଼୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଠରେ ଯେମିତି ଆମର କୁହନ୍ତି ନା ଛୁଆବେଳେ ଅ ଅ ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖନ୍ତି, ବଡ଼ ପାଠ ଡାକନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତି ବଡ଼ ପାଠ ଡାକନ୍ତି, ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ ଏଲାଉଡ଼୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ରାଇଟିଂ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିବ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଠରେ ଡାକୁଥିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇଟା କେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ବିହେଭିଅର୍ କରିଛି ବୋଲି, ମାନେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କ'ଣ ଯିବରେ ଅପସନ୍ ବି କଣ୍ଡିସନିଂ, କ'ଣ ଯିବ ଅପସନ୍ ବି କଣ୍ଡିସନିଂ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଇମାଇଲ୍ ଦ ନୋବ୍ଲେଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍। ଇମାଇଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ରେ, ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୁଡ଼୍ ସିଟିଜେନ୍ କରିବା। ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରେ, ଗୁଡ଼୍ ସିଟିଜେନ୍ କେମିତି ହେବେ ପିଲାମାନେ ସେଇ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। 23 କ'ଣ ହେଲା ରେ, ଅପସନ୍ ସି। 24 ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠୁ କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ରେ କନ୍ସିଡ଼ର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଟପିକ୍, ଅପସନ୍ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ଅପସନ୍ ସି ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍। କ'ଣ ନେବା ନା ରେ, ଟପିକ୍ ତ ନେବା, ଆମେ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବି ନେବା, ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ନେବା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଟିଚିଂ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ନେବା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଡିଟା କ'ଣ ହେବ ରେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେହେତୁ ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ରିମେମ୍ବରିଂ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। କ'ଣ ଯିବ ରେ, ଅପସନ୍ ଡି କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହଉ, ତୁମର ରିମେମ୍ବର ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ହଉ, ତୁମର ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁଟା ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ, କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଯିବ ରେ, 25 ଅପସନ୍ ଡି କଗ୍ନେଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ 26 ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ସାଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଏ, ସାଇକୋଲୋଜିଟା କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ ନା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ନା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ନା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର। କ'ଣ ଯିବ ରେ, ସାଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର, ଅପସନ୍ ଡି ଯେ 26 ଅପସନ୍ ଡି। 27 ଦେଖ, ଦ ମୋର ଅଫେନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆବିଲିଟି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ। କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆବିଲିଟି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍, କ'ଣ ୱିକର୍, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍, ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର, ଦ ମୋର ଅଫେନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆବିଲିଟି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ। ଯେତେ ଯେତେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଟାସ୍କଟାକୁ ବାର 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 ଆପଣ କରିବେ, ବାର ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ସେଥିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍, ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ନୁହେଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେନେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋଟିଭ୍ ହେବେ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପାଇଁ ନେବେ ଆପଣ ମୋଟିଭ୍ ହେବେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦେନେ ବି ଆପଣ କ'ଣ ମୋଟିଭ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ନୁହଁ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ ଲଙ୍ଗର୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆବିଲିଟି ଇଜ୍ ଅନ୍ୟୁଜ୍ଡ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆବିଲିଟିକୁ ଆପଣ ବାର ବାର ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିକମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ୱିକର୍। ଯଦି ବାର ବାର ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଟା ହବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍, ଯଦି ବାର ବାର ୟୁଜ୍ ନକଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ୱିକର୍, ବୁଝିପାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ୱିକର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 2 to 6 ଇୟର୍ କଲ୍ଡ, ଯେଉଁ 2 to 6 ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ, ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଡ଼୍। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ, ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଡ଼୍, କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଡ଼୍। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1। ଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1 ରେ ଆମେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ପର୍ ଡେ ଏମିତି ଆମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ପୁରା ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାଏଁ, ପୁରା ଡେଲି ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ରେ 30, 40, 50 ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେଡ଼ାଗଜ୍ ପିଲା ସବୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2 କ୍ଲାସ୍ରେ।